Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shaik Abrad and I'm back with this new video. आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं लॉयलिस्ट कॉलेज जो लोकेटेड है बेलविल में. बेलविल में उसका मेन कैंपस है. तो तारिक भाई हमारे आए हुए हैं, उन्हें आज हम लेकर जा रहे हैं बेलविल. उनका कैंपस है मेन कैंपस, उन्हें दिखा कर लेके आते हैं उनका कैंपस क्या है और कुछ और क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व करेंगे. तो सोचा जब हम वहाँ जा ही रहे हैं क्यों ना हम उसका ब्लॉग भी कवर कर लें तो आपके साथ शेयर कर पाएंगे. तो भाई अभी अपने कहाँ हैं, यहाँ हैं टोरंटो में और हम जा कहाँ रहे हैं भाई साहब, हम जा रहे हैं बेलविल. यहाँ से ड्राइव है अराउंड 1 hour 41 minutes की, 166 kilometers है. तो अभी थोड़ा सा मुझे लगता है और ज़्यादा टाइम भी लग सकता है क्योंकि आज जो मौसम है वो आप देख ही रहे होंगे, बारिश हो रही है बाहर, तो इस वजह से हो सकता है कि हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए. तो तारे भाई हमारे आ चुके हैं, कॉफ़ी ले आए हमारे लिए भी डबल. तो कॉफ़ी पीते हुए चलते हैं, मौसम है मस्त और मौसम तो आप देख ही रहे हैं बहुत मस्त है. आज दिखाते हैं जब बारिश होती है कनाडा में तो ड्राइव करना कितना मुश्किल होता है, ये भी आपको दिखाते हैं. देखिए ड्राइविंग बारिश में कितनी ज़्यादा रिस्की होती है, आगे का कुछ दिख भी नहीं रहा है. देखो कनाडा की बारिश, यहाँ पे आप 1 से 2 meters का भी आप दिख नहीं पाते, इतना विजिबिलिटी देंगे और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है यहाँ पे ड्राइव करना. हम वो सब एक्सीडेंट होते हैं बारिश में ही होते हैं या फिर स्नो में होते हैं. अब पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट लॉयलिस्ट कॉलेज और पहुंच चुके हैं लॉयलिस्ट कॉलेज. बारिश हो रही है, जिस दिन लैम्पटन कॉलेज का ब्लॉग बनाया था उस दिन भी बारिश हो रही थी और आज भी बारिश हो रही है. कैंपस बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, पार्किंग एरिया ही बहुत ज़्यादा बड़ा है. फिलहाल तो अभी कार पार्किंग में है, चलते हैं अंदर देखते हैं कि पार्किंग एरिया तो बहुत बड़ा है, कैंपस कितना बड़ा है और अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए. पार्किंग एरिया है स्टूडेंट्स के लिए और विजिटर के लिए, वो वाला एरिया था स्टाफ के लिए, स्टाफ पार्किंग. इससे पहले एक और ग्राउंड पड़ा हुआ है पूरा, वो आपका हो गया स्टूडेंट पार्किंग. सामने भाई बस स्टॉप है, यहीं से आई होप बस मिलती होगी लोकल राइड्स के लिए. और अब चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं, कैंपस भी बहुत बड़ा है. तारिक भाई का कैंपस है, ये आगे तारिक भाई और इनका जो मेन कैंपस का एंट्रेंस है वो ये है, इसका मेन एंट्रेंस. चलते हैं मेन एंट्रेंस से अंदर. कॉलेज में एंटर होते ही अगर हम देखेंगे तो आपके राइट हैंड साइड में डाइनिंग हॉल है और ये आपका डाइनिंग हॉल काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर कैफे भी है. यह आगे आपका बास्केटबॉल कोर्ट, कैफे के जस्ट पड़ोस में बास्केटबॉल कोर्ट है. यहाँ पे बैठिए, गेम एंजॉय कीजिए और आप कॉफ़ी पीजिए, पॉपकॉर्न खाइए. तो उसके बाद चलते हैं सामने, देखते हैं क्या है. अभी कॉलेज के अंदर है लॉयलिस्ट में, ये एरिया आ जाता है आपका स्टडी एरिया, लाइब्रेरी एरिया.
एसक्यूएल टेक्सास लैब। तो इसमें क्या है, यहाँ पर लैब दे रखी है, लैब के लिए भी दो चीज़ें हैं, वर्क के लिए इधर सिंपल सिस्टम दे रखे हैं इन्होंने सिंगल सिंगल, और ग्रुप वर्क के लिए इधर दे रखे हैं। लैब भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है लैब के लिए भी, मतलब स्पेस काफ़ी है, स्टडी एरिया में तो था ही था और लैब में भी है। और बाकी अब चलते हैं जिम की तरफ, देखते हैं जिम कहाँ है, जिम भी तो बहुत जरूरी है। ये आ चुके हैं भाई जिम में, तो ये है कॉलेज से जिम। काफ़ी बड़ा है यहाँ पे, इसे देख के मेरा दिल भारी खुश हो गया है। अब मुझे लैब तक कॉलेज से नफरत हो गई है, नाउ आई एम गेटिंग जेलस। जिन लोगों को वर्कआउट नहीं करना है उनके लिए इतना बड़ा जिम है। ये साइड में है कॉलेज का शॉपिंग सेंटर, इसमें आपको कॉलेज की टी शर्ट वी शर्ट जो भी अगर हमें चाहिए तो वो मिल जाएंगी। आपका हॉल एलुमिनी हॉल ये है, यहाँ देखिए यहाँ पे सारे इवेंट्स होते होंगे। अब आ गए हैं हम कॉलेज लॉयलिस्ट कॉलेज रेजिडेंशियल एरिया में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कॉलेज में ही, कॉलेज के पीछे कैंपस में रेजिडेंशियल एरिया प्रोवाइड किया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, और बहुत ही चीप प्राइस में। शेयरिंग में 350 फुल्ली फर्निश्ड और प्राइवेट रूम 425 इंक्लूडिंग यूटिलिटीज एंड एवरीथिंग। कॉलेज मुश्किल से 5 मिनट की वॉक पे है और रेजिडेंशियल एरिया भी बहुत बड़ा है। ये पीछे ही दे रखा है, मैं आपको लेके चलता हूँ, देखते हैं रेजिडेंशियल एरिया भी। सारी इन्होंने बिल्डिंग्स दे रखी हैं, ये रेजिडेंशियल एरिया है और ये इस साइड में कॉलेज है। तो मतलब इधर कॉलेज, पीछे से आप एग्जिट ले सकते हैं वो सामने गेट से, और रेजिडेंशियल एरिया में आप एंटर कर लीजिए। एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ रश नहीं है, क्राउड नहीं है ज़्यादा, जैसे टोरंटो में बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। और वहाँ के कॉलेजेस कैंपस बहुत छोटे होते हैं, यहाँ कैंपस बहुत बड़ा है। प्लस यहाँ पर आपको कैनेडियन कल्चर मिल जाएगा और काफ़ी इंजॉय करेंगे स्टूडेंट्स। तो कॉलेज कवर कर लिया हमने, और उसमें कॉलेज में क्या क्या चीज़ें हैं वो सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी, मतलब मोस्टली जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मोस्ट प्रोबेबली हमने सारी कवर कर ली। वैसे तो कॉलेज कैंपस बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो अगर मैं पूरा दिन ब्लॉग बनाता रहूँगा तब भी जो है कवर नहीं कर पाऊँगा, लाइक क्लासरूम्स और वो सारी चीज़ें तो नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, जो मेन चीज़ें थी, जो लोगों के डाउट्स होते हैं, कुछ मैंने और लोगों से बात की, स्टूडेंट्स जो थे पुराने उनसे भी बात की, तो काफ़ी सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए। तो जैसे कि पहली चीज़ होती है कि कैंपस जो है वो कंट्री साइड में है बेलविल में, तो क्या काम का इशू रहेगा कि काम मिल पाएगा या नहीं। तो सब ने यही बोला है कि ईज़िली काम अवेलेबल है, कोई ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि आपको काम नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, कैंपस कंट्री साइड में है तो एक्सपेंसेस कम हैं, सेविंग ज़्यादा होने के चांसेस हैं। जैसे कि मैंने बताया रेजिडेंशियल एरिया है, कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है 425 में प्राइवेट रूम, 350 में शेयरिंग रूम। अटेंडेंस का भी कोई ज़्यादा मतलब मैंडेटरी प्रोसेस नहीं है, ठीक है। लोगों ने बताया है कि कुछ ही क्लासेस ऐसी होती हैं जिसमें प्रोफेसर अटेंडेंस लेते हैं, बाकी कुछ क्लासेस में तो वो अटेंडेंस लेते भी नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे एक और ऑफर है कि अगर आप यहाँ से स्टडी करते हैं तो आप जो PNP होता है पायलट प्रोग्राम, उसमें भी कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, कुछ प्रोग्राम्स, कि उसमें भी उसका बेनिफिट भी आप ले पाएंगे।
तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो फिलहाल ब्लॉग को यहाँ रैप अप करते हैं, और आई होप कि मैंने सारे आंसर्स जो हैं कॉलेज से रिलेटेड और चीज़ें जो है कवर की इस ब्लॉग में। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, आपके लिए अच्छी हैं, अगर आपको पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, आई अप्रिशिएट योर टाइम।